अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद मेहरीन में खुश आमदीद। आज मैंने बनाए हैं बेसन के लड्डू, जो बहुत आसान हैं। चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बेसन के लड्डू के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम देसी घी, 250 ग्राम चीनी और 200 ग्राम मैदा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कलर, फूड कलर। सबसे पहले हमने देसी घी जो है वो कढ़ाई में डाल दिया है। इसे हल्का सा गरम कर लें, फ्राई नहीं करना, सिर्फ हमें गरम करना है। इसके बाद हम इसमें 250 ग्राम बेसन ऐड कर देंगे। बेसन भी हमने डाल दिया है। अब इसमें मैदा डाल दें। मैदा हमने बेसन से कम रखा है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसको फिर भून लें। ये तकरीबन आधा घंटे तक आपको भूनना है। बेसन के भून जाने की निशानी ये होती है कि ये घी छोड़ना शुरू कर देता है और साइडों में घी आना शुरू हो जाता है, तो बेसन आपका भून गया है। जब तक ये नहीं होता तब तक आपको इसको भूनते रहना है। इसमें आपको 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं। यहाँ मुझे 25 मिनट हो गए हैं और देखें, बेसन जो है भूनना शुरू हो गया है। इसमें से खुशबू आ रही है देसी घी की। आप देसी घी कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मुसलसल इसको आधे घंटे से भून रही हूँ ताकि ये चिपक ना जाए। देखें, अब मेरा जो बेसन है वो अच्छी तरह भून गया है। ये घी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, ये इस तरह हो गया। फिर आप इसको थोड़ी सी देर और, बस 2 से 3 मिनट और इसका चमचा चलाएं। हमने यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दिया। अब हम इसको ऐसे ही मिक्स कर रहे हैं। हमने भुना था बेसन को लो फ्लेम पे। देखिए, हमारा यहाँ पर रेडी हो गया। अब हम इसका जो है करारा तैयार कर लेते हैं। हमने बेसन को डिश आउट कर लिया। अब हम करारा इसका तैयार कर रहे हैं। करारे के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चीनी और उससे आधा पानी। अगर आपका 1 कप चीनी है तो 1/2 कप पानी होगा, वो आप इसमें डाल दें। और उसके बाद इसको फुल फ्लेम पे इसका करारा तैयार करें। इसको आपको चमचे को हिलाते रहना है। और जो है ये बहुत पहले इसका लिक्विड होगा, चीनी जो है पहले लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और उसके बाद जो है ये दोबारा से सॉलिड हो जाएगा। और फिर आप इसको जूसर में ग्राइंड कर लें, पीस लें बिल्कुल बारीक। देखें, इस तरह आपको इसमें भी आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। इस तरह इसका जब तक करारा ये सॉलिड ना हो जाए इसको आपको हिलाना है मुसलसल। यहाँ पर मेरा जो है करारा तैयार होने शुरू हो गया है। इसका पानी हल्का हल्का जल रहा है। अब मैंने इसको पीस लिया और इसके बाद मैंने इसको बेसन का जो मैंने हलवा तैयार किया था उसमें इसको मिक्स कर रही हूँ। चीनी को थोड़ी थोड़ी चीनी करके आप डालिएगा, एक साथ नहीं डालनी है, वरना अगर घी छोड़ना शुरू हो गया। और हमेशा याद रखिएगा, बेसन का जो आपने हलवा तैयार किया था उसको ठंडा करना है और करारा जो है आपका वो गर्म होना चाहिए। गरम करारे को ही आपको जूसर में पीसना है और उसका पाउडर फॉर्म बना लेना है। उसके बाद उसको बेसन में मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और जिस तरह आप आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको मिक्स करें। थोड़ी थोड़ी चीनी डाल के मैं इसमें मिक्स करती जा रही हूँ। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लेंगे, फिर उसको भी हम ड्राई करने के लिए रखेंगे। लड्डू एक दफ़ा बना के उसको ड्राई करने के लिए रखें ताकि उसके अंदर जो घी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद उसकी शेप आप दोबारा से बनाएंगे 10 मिनट बाद, तो आपके लड्डू की जो शेप है वो गोल बिल्कुल सही बनेगी। देखें, मुझे यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से चीनी मिक्स कर रही हूँ ताकि आपकी जो चीनी है वो मुँह में अलग से ना आए। वैसे हमने चीनी को बिल्कुल पीस लिया था। अगर आपके पीसने के बाद भी जो है चीनी में पीसी नहीं जाए सही से, तो आप उसको छान लें। मोटी चीनी नहीं होनी चाहिए, मोटा जो करारा हो जाता है वो नहीं होना चाहिए, उसे आप पहले पीस लीजिएगा। इस तरह हम यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं। छोटे छोटे हम लड्डू बनाते जाएंगे, एक ट्रे में रख लेंगे। उसके बाद हम जो है इसको ड्राई होने के लिए 10 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे रख देंगे।
जब ये थोड़े ड्राई हो जाएं तो फिर आप जो है इसको दोबारा से शेप इसकी राउंड में बना के और फिर आप इस पे बादाम पिस्ते जो आपको इसमें गार्निशिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। चांदी के वर्क, यहाँ मैंने चांदी के वर्क यूज़ नहीं किए, आप चांदी के वर्क भी यूज़ करें, बहुत अच्छे लगते हैं लड्डुओं पे लगे हुए। ये मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल अर्जेंट मुझसे फरमाइश कर दी थी तो मैंने इसको बिल्कुल अर्जेंट बनाए हैं, इसलिए मैंने चांदी के वर्क वगैरह नहीं मंगवा के रखे हुए थे। आप इस तरह आप इसके लड्डू तैयार कर लें, ये बहुत हेल्दी और बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी भी बनते हैं। देखिए यहाँ हमने लड्डू तैयार कर लिए, हमने दोबारा से इसको जो है शेप दे के फिर इसके ऊपर बादाम पिस्ते वो ऐड कर दिए। उम्मीद है आपको ये मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं और आप भी इसे ट्राई करें, इन्जॉय करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।